नमस्कार, मैं सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। उद्घाटन के चार दिन के बाद भी तहसील कार्यालय के नए भवन में नहीं हुआ स्थानांतरण। आम आदमी की पार्टी के नेता ने नए भवन के निरीक्षण किया व आनन फानन में उद्घाटन किए जाने पर लगाए आरोप। आधे अधूरे भवन का उद्घाटन करके वाहवाही लूट रही सरकार। नए भवन कमियों को किया उजागर, भ्रष्टाचार के लगाए आरोप, निगरानी कमेटी की मिलीभगत। नए भवन की छत से टपक रहा है पानी, भर्ती में डाली जा रही है शहर की गंदगी। जी हाँ, यह आरोप आम आदमी पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं। आप देख रहे हैं रानिया पलपल से ओपी वर्मा की रिपोर्ट। तहसील रानिया के नए भवन का उद्घाटन भले ही प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बीती 9 जुलाई को रानिया तहसील कार्यालय का उद्घाटन किया, इसके बावजूद रानिया तहसील कार्यालय में मूलभूत सुविधाओं की कमियां अभी भी ज्यों की त्यों बरकरार है। इसके अलावा नए तहसील कार्यालय के भवन को BNR विभाग ने राजस्व विभाग को हैंडओवर नहीं किया। इस भवन का निरीक्षण करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि नए भवन में अभी भी कार्यालय स्थानांतरित नहीं किया गया है। इसके बावजूद इस बिल्डिंग में कई कमियां और कई सुराख भी मौजूद हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमरजीत सिंह चानी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ नए तहसील भवन में जाकर निरीक्षण किया, जहां पर उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मनोहर लाल खट्टर ने जल्दबाजी में प्रदेश के अनेक योजनाओं का उद्घाटन किया है, लेकिन किसी भी भवन का निर्माण करने से पूर्व जल्दबाजी में उद्घाटन करने का श्रेय ले रही है सरकार। जमीनी हकीकत यह है कि इस भवन में अनेकों कमियां मौजूद है। इस भवन में भर्ती के नाम पर मिट्टी डाली जानी थी और वहां पर गंदगी डाली जा रही है। हालांकि प्रदेश सरकार की तरफ से निगरानी कमेटी भी बनाई हुई है जो ऐसे कार्यों पर निगरानी रखती है, लेकिन इसके बावजूद निगरानी कमेटी भी भ्रष्टाचार के कार्यों के साथ दे रही है। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन कर दिया है, लेकिन यहां पर अगर हकीकत में देखा जाए तो अनेकों कमियां ऐसी हैं जो कि उद्घाटन होने के बाद अभी शिफ्ट होने में बहुत लंबा समय लगेगा। आज आप पार्टी के नेताओं ने यहाँ का दौरा किया है, वो आज अपने बताते हैं भी कैसे कैसे उनको क्या कमियां पाई गई। झील का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है और उन्होंने उस उद्घाटन के पश्चात हमने देखा यहाँ आकर के ना तो अभी तक तहसीलदार यहाँ बैठना शुरू हुआ है और ना ही किसी भी तरह की कोई सुविधा है। और यहाँ पर हमने जब इसका निरीक्षण किया तो उसमें पाया कि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ है, क्योंकि इसकी जो छत है वो जगह जगह से लीक हो रही है और उस लीकेज के कारण बहुत जल्द ये खंडर में बदल जाएगा। लेंटर लीक तो होगा क्योंकि उसमें जो पूरा मटेरियल नहीं डला और जो ऊपर जो छत है वो भी आपने देखा होगा कि उसमें जगह जगह हॉल बने हुए हैं और उसमें पानी टपक रहा है। और ये जो बिजली के जहाँ जो पंखे लगने हैं वहाँ भी आप देखेंगे कि वहाँ भी हॉल बने हुए हैं, वहाँ भी सुराख निकले पड़े हैं। अभी तो बिल्डिंग बन रही है, बनने से पहले ही वो खंडर में तब्दील हो रही है और यहाँ निगरानी कमेटी के लोग बिल्कुल भी उन्होंने, मुझे नहीं लगता भी यहाँ आके उन्होंने कोई निगरानी की होगी। और यहाँ आप देखो ये जितनी भी मिट्टी यहाँ डाली जा रही है, और ये मिट्टी नहीं है, ये रूढ़ी है जो कि यहाँ जो पूरे शहर की जो गंदगी है वो यहाँ डाली जा रही है और इसमें भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। तो हम मांग ये करते हैं कि इसको यहाँ पर सुविधाएं देने से पहले सरकार इसका पूरा निरीक्षण करवाए, उच्च अधिकारियों से इसकी जांच करवाए और जो भी लोग भ्रष्टाचार में इसमें शामिल हैं उस पर केस बने और उस पर कार्रवाई हो। कमेटी अगर काम करती तो ये आप देखो कि आज जो ये लीकेज हो रही है और ये जो गंदी मिट्टी यहाँ फेंकी जा रही है और ये सबके सामने है, और जहाँ तक मेरा मानना है निगरानी कमेटी के लोग भी भ्रष्टाचार के चक्कर में पैसे लेने कमाने के चक्कर में ये गलत कार्य करवा रहे हैं और कहीं भी निगरानी कमेटी आज नहीं दिख रही, वो सिर्फ अपना ही पक्ष रखे हुए हैं, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हैं।
और उनको उचित दंड दिया जाए। तो मनोहर लाल खट्टर जी की जो सरकार है, भाजपा सरकार है, ये बहुत जल्दबाजी में है और इस जल्दबाजी के कारण ये बैकफुट पे जा रही है, क्योंकि वो वाहवाही तो लूटना जा रही है, लेकिन आप देखेंगे कि उस वाहवाही के चक्कर में सभी काम अधूरे लटके पड़े हैं और गलत तरीके से काम हो रहे हैं। ये जितने भी उद्घाटन हो रहे हैं, बिल्डिंगों के उद्घाटन या अधूरे उद्घाटन हो रहे हैं, कहीं भी इनका सही ढंग से कोई काम नहीं हो रहा। समय थोड़ा रह गया, इसलिए वो भगदड़ कर रही है सरकार भी, दबा दब इसका श्रेय लिया जाए। चिल रानिया के भवन के निर्माण में अनेकों खामियों के आरोप जो आप पार्टी के नेताओं ने लगाए हैं, इनमें यहाँ पे इन्होंने, इन लोगों ने देखा है कि जगह जगह से पानी टपक रहा है और यहाँ तक कि कई लेंटर कई जगह से ऐसा है कि वहाँ पानी निकल रहा है, होल गड्ढे बने हुए हैं और यहाँ तक कि बिजली के उपकरण भी सड़ चुके हैं और यहाँ पे छत के पानी टपकने के कारण दीवारों में सैलाब आया है, वहाँ से सोरा निकल रहा है और ये बाहर की जो साइड है यहाँ पर भी इन्होंने गंदगी, शहर की जो कूड़ा करकट उठा करके यहाँ जो भर्ती की है, ये भी कल को नुकसानदायक है, यहाँ पर भी पौधे लगाए जाएंगे, दीवारों में सैलाब आएगा, ऐसा आरोप इन्होंने आप पार्टी के लोगों ने लगाया है। इनका कहना है कि कष्ट निवारण कमेटी जो इसकी निगरानी करती है, वो इसकी निगरानी इनसे न करवा करके सेवानिवृत्त अधिकारी से करवा करके इस आप पार्टी के नेताओं का आरोप है कि भाजपा जल्दबाजी में ऐसे उद्घाटन करके और लोगों की अनदेखी कर रही है, लोगों को कैसी सुविधाएं मिल पाएंगी, इनका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। आप पार्टी के लोगों का कहना है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए और इसके बाद भी इसके लोका को इसको अर्पित किया जाए और विधिवत रूप से इसका उद्घाटन किया जाए। बस इनको दिखाया इन्होंने बस। अरे यार ये मैं नहीं देख मेरे करके ना आज इतनी गंदगी है, ये सारी उठो ना अपने छप्पड़ चो आज ये साडे नाल इधरले पासे और उठो यार ओदा भी आप लाइए यार और ओम प्रकाश वर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए पल पल न्यूज़।